ज़ आई एम श्रद्धा सिंह एंड वेलकम इन श्रद्धा सिंह लॉ और आज की हमारी रेसिपी है गोभी मंचूरियन एंड गोभी मंचूरियन जो कि बहुत ही डिलीशियस बहुत ही यमी होता है एंड इसको बनाएंगे हम कुछ सीक्रेट टिप्स के साथ बहुत ही आसान तरीके से बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल लाइक एंड आप देख भी सकते हैं कि कितना यमी लग रहा है ये तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम यहाँ पे गोभी लेंगे एंड गोभी दो वराइटीज़ में आती हैं एक तो जो अच्छी सी गोभी होती है जिसके छोटे छोटे आप कट करने के बाद छोटे छोटे पीसेस इस तरीके से निकाल सकते हैं हमें यही वाली गोभी चाहिए और जो दूसरी होती है ना वो उसके जो फ्लावर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं बहुत पतली पतली उसकी जो डंडियाँ होती हैं तो वो वाली हमें गोभी नहीं चाहिए यहाँ पर तो इसमें हम डाल रहे हैं थोड़ा सा नमक थोड़ी सी लाल मिर्ची एंड ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर है देगी मिर्च नहीं है इससे क्या होगा कलर अच्छा आएगा एंड हल्का तीखापन होगा बहुत ज़्यादा तीखा नहीं होगा प्लस हम इसमें डाल रहे हैं कॉर्नफ्लोर तो कॉर्नफ्लोर डालेंगे इसमें हम काफ़ी ज़्यादा कॉर्नफ्लोर डालेंगे अबाउट फोर टू फाइव टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे इसके बाद हम इसमें डालेंगे मैदा तो दो बड़े चम्मच हम इसमें मैदा भी ऐड करेंगे तो यह मैदा हमारा तो इस तरीके से दो बड़े चम्मच मैदा ऐड करेंगे तो अब हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे गोभी के साथ अच्छी सी ये कोटिंग आनी चाहिए गोभी पर और इसके बाद हम इसको थोड़ा सा पानी डाल करके गीला करेंगे तो अभी हम यहाँ एक कप ले रहे हैं ये जो रेगुलर चाय वाली कप होती है हर घर में होती है तो उसी से हमने एक कप पानी लिया है पूरा पानी हम यूज़ भी नहीं करेंगे तो करीबन आधे से थोड़ा सा ज़्यादा पानी हम लेंगे और उसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे एक बैग नहीं डाल देंगे वरना पानी ज़्यादा हो जाएगा हमें आइडिया नहीं लग पाएगा तो थोड़ा थोड़ा करके हम पानी यूज़ करेंगे एंड इसके बाद अच्छे से इसको हाथों से मिक्स करते जाएंगे और तब तक मिक्स करना है जब तक ये थोड़ा थिक ना हो जाए तो अभी आप देख सकते हैं कि एकदम बढ़िया से मिक्स हो गया है एंड इसका कलर जो है वो हल्का लाइट ऑरेंज कलर आ गया है मिर्ची एंड कॉर्नफ्लोर वगैरह सब कुछ मिक्स होने की वजह से तो बिल्कुल इसी स्टेज तक बढ़िया से हमें मिक्स करना था तो अभी हमारी गोभी फ्राई होने के लिए एकदम रेडी है तो बहुत ही संभाल के करें देखिए कितना बढ़िया से अच्छे से कोटिंग हो गई है अभी हमने जब मैंने कोटिंग करनी स्टार्ट की थी तभी मैंने ऑयल डाल दिया था ये कोई भी आप कुकिंग ऑयल ले सकते हैं तो वो अच्छे से गर्म हो गया है अब हम गोभी को एक एक करके गोभी डालेंगे एंड बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं कर देंगे मतलब एक साथ बहुत ज़्यादा गोभियाँ नहीं हम फ्राई करेंगे थोड़ी थोड़ी करें भले ही दो तीन बैचेस में करनी पड़े फ्राई तो थोड़ा थोड़ा करें इससे क्या होगी चिपकेगा नहीं एंड गोभी को डालते ही हम इसको चलाना नहीं शुरू करेंगे गोभी को डाल के थोड़ी देर हम इसको फ्राई होने देंगे अपने आप से जब गोभी अपने आप से तुरंत ही ऊपर आ जाती है तो जब गोभी ऊपर आ जाए ऑयल पर देन हम इस पर स्पैचुला डालेंगे फ्राई करने के लिए इससे क्या होगा हमारी गोभी जो टूटेगी नहीं कोटिंग बराबर लगी रहेगी और एकदम बढ़िया क्रिस्पी कुरकुरी गोभी फ्राई होगी तो ये देखिए हमारी फर्स्ट बैच फ्राई हो गई है इसी तरीके से एकदम बढ़िया ऐसी कुरकुरी गोल्डन कलर की गोभी होने के बाद हम इसे निकालेंगे एंड इसी तरीके से दो तीन बैचेस और मुझे करने पड़ेंगे तो दो तीन बैचेस में और फ्राई कर लूँगी सेम वे से तो ये देखिए गोभी डाल दिया है नेक्स्ट बैच है मेरा सेम वे से ऐसे ही कर लेंगे तो ये देखिए मेरी गोभी का वो तो रेडी है फ्राई होके साउंड आप मतलब पता लग रहा है कि गोभी एकदम बढ़िया सी कुरकुरी हुई है एकदम कड़कड़ाहट कर वाली आवाज आ रही है एंड मैं गोभी को अंदर से ब्रेक करके भी दिखा रही हूँ तो ये देखिए हमारी गोभी अंदर से पक चुकी सॉफ्ट है अंदर से और बाहर से एकदम कडक कुरकुरी है तो एकदम हमें ऐसे ही गोभी चाहिए मंचूरियन बनाने के लिए तो अभी हमने सेम कढ़ाई में ऑयल हटा करके थोड़ा सा एक चम्मच ऑयल लिया है बस इसमें हम डालेंगे कटे हुए लहसुन अदरक हरी मिर्चियाँ एंड हम इसमें डालेंगे प्याज बारीक काट के और इन सबको अच्छे से हम लाइट पिंक होने देंगे मतलब कि इतना पकाएंगे कि ये कच्चा ना रहे पक जाए बहुत ज़्यादा ओवर कुक हमें मंचूरियन में ये सब नहीं करना रहता है तो बस थोड़ा सा ये पक जाए डैट्स इट हम इसमें सॉसेस डालना स्टार्ट करेंगे तो ये देखिए तो ये गोभी मंचूरियन बनाना बहुत आसान है एकदम सब्जी की तरह और बहुत ही टेस्टी बनता है आप इसको स्नैक्स की तरह ले सकते हैं किसी भी तरीके से कमाल का लगता है तो अभी हमने इसमें डाला है वाइट विनेगर एंड डार्क सोया सॉस अब मैं यहाँ डाल रही हूँ रेड चिली सॉस एंड आप चाहें तो थोड़ा सा टेस्ट को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे टोमेटो केचप भी यूज़ कर सकते हैं थोड़ा सा मैं इसमें अचीनो मोटो डाल रही हूँ अगर आपके पास नहीं है तो आप इसके कर सकते हैं टोटली ये सब अच्छे से मिक्स करने के बाद सारे सॉसेस को हम यहाँ पर थोड़ा सा पानी पहले डालेंगे आधा कप एंड इसके बाद इसको ठीक करने के लिए हम यहाँ डालेंगे कॉर्नफ्लोर का एक मिक्सचर बना के कॉर्नफ्लोर की, की सैलरी तो यहाँ पे हमने लिया है कॉर्नफ्लोर एंड इसमें हम डालेंगे पानी तो उसके बाद अच्छे से मिक्स करके ये मिक्सचर हम डाल देंगे अपने मंचूरियन ग्रेवी में एक्चुअली ग्रेवी नहीं है बट थोड़ा सा जो भी है इसमें डाल देंगे तो अच्छे से मिक्स कर देंगे एंड अब आप देखेंगे जैसे थोड़ा सा पकेगा थोड़ा सा बॉयल आएगा ना ये एकदम गाढ़ा थिक सॉस की तरह हो जाएगा तो बिल्कुल हमें वही स्टेज पे अपना गोभी डाल करके बंद कर देना है एंड वन मोर थिंग अगर आपको तुरंत तुरंत गर्मा गर्म सर्व करना है देन आप गोभी तुरंत डाल गैस बंद करें गोभी डालें एक मिक्स दें सॉस के साथ अच्छे से ताकि बढ़िया सी कोटिंग गोभी के ऊपर हो जाए और सर्व कर दें तो अभी मैं यहाँ पे डाल रही हूँ धनिया पत्ती या नमक एंड अगर आपको तुरंत नहीं सर्व करना है थोड़ा टाइम है आपके सर्विंग में देन आप सॉस रेडी करके गैस को बंद कर दें एंड जब आपको सर्व करना हो थोड़ा सा आप गैस ऑन करके सॉस को गर्म करें एंड गैस बंद करके गोभी को डाल के मिक्स करके बढ़िया सी कोटिंग जब गोभी के ऊपर आ जाए देन आप गर्मा गर्म सर्व करें अदरवाइज uh, क्या होगा जब गोभी सॉस में चली जाएगी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा ना तो ये थोड़ी नरम होने लगेगी इसकी जो क्रिस्पीनेस है ना वो थोड़ा कम हो जाएगा तो इसलिए जब सर्व करना हो तभी आप गोभी को सॉस में ऐड करें तो ये देखिए बढ़िया कोटिंग हो गई है और हमारी गोभी मंचूरियन रेडी है फटाफट से एकदम घर के ही सारे सामान के साथ बहुत ही टेस्टी बहुत ही डिलीशियस तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तेन गैस प्लीज़ लाइक करें शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर लें मेरा चैनल ताकि ऐसे डिलीशियस रेसिपीज़ आप तक पहुँचते रहें और इसको ट्राई ज़रूर करना कमेंट ज़रूर करना कि आपको कैसा लगा बनाने में कैसा लगा आपको आपकी फ़ैमिली फ्रेंड्स को खाने में ये देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू कमेंट्स एंड ऐसे ही बने रहिए प्यार देते रहिए देखते रहिए